इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बेमियादी आमरण अनशन पर बैठे छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्र संघ भवन पर छात्र कर रहे थे छात्र संघ को बहाल करने की मांग। अनशन कर रहे छात्र पिछले 3 दिनों से छात्र संघ की जगह छात्र परिषद के गठन का कर रहे थे विरोध। जिसकी वजह से कैंपस में पिछले 3 दिनों से छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध पर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा 14 छात्रों को निलंबित किया गया और 14 नामजद छात्रों सहित 150 अज्ञात छात्रों के खिलाफ कई धाराओं में थाना कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज करवाया। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा छात्र संघ की जगह छात्र परिषद गठन करने के खिलाफ है, जबकि छात्रों के इस आमरण अनशन को प्रदेश कांग्रेस CLP लीडर अजय कुमार लल्लू ने समर्थन दिया और अनशन पर बैठे हैं। अनशन शुरू हुआ है और आपकी मांग क्या है, कब तक चले गई है? देखिए, लगभग हम लोग 4 दिनों से यहाँ पर छात्र संघ बहाली को लेकर के बैठे हैं। एकाएक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा क्लास 6.1.2 का हवाला देकर के कि विश्वविद्यालय का कैंपस हमारे बड़ा है, इसलिए यहाँ पर छात्र परिषद लागू किया जाना चाहिए, एकाएक करना है, मिला जुला करके उनकी तानाशाही पूर्ण रवैया है। यहाँ पर केंद्र सरकार भी लगी हुई है कि यहाँ का छात्र संघ जो है बैन कर दिया जाए और राज्य सरकार भी लगी हुई है कि यहाँ का छात्र संघ बैन कर दिया जाए। यहाँ पर हम लोग आमरण अनशन पर आज बैठे हैं लगभग 3 दिनों के क्रमिक अनशन के बाद। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, पुनः छात्र संघ बहाल नहीं किया जाता है, तो ये हमारा आमरण अनशन अनवरत चलता रहेगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों चाहती है कि ये आमरण अनशन की? ये जो छात्र संघ है इनका आप देखेंगे साल भर से जो कि कुलपति का यहाँ पर यौन उत्पीड़न के आरोपी रहे हैं, शिक्षक भर्ती हुए यहाँ पर आकर के अपने अपने लोगों को भरे हुए हैं। एक प्रकार से जितनी भी यहाँ पर अनियमितता है उसको उजागर करने का काम छात्र संघ करता है। तो यदि छात्र संघ नहीं रहेगा तो इनके बीच का कोई रोड़ा नहीं रहेगा, तो इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आगे आने वाले भी शिक्षक भर्तियाँ यहाँ पर हैं, ग्रुप CD की भी यहाँ पर भर्तियाँ हैं, तो ये जानबूझ करके पूरे के पूरे छात्र संघ को ही बैन करना चाहते हैं कि आगे से कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ न उठाए और इनका तानाशाही पूर्ण रवैया जो है वो चलता रहे। आपका परिचय? मैं अखिलेश यादव, छात्र संघ उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, NSY। आज आप लोग किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जो छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं और तमाम अगल बगल के छात्र संघ के पदाधिकारी जो विद्यालयों के महाविद्यालयों के हैं जो यहाँ छात्र संघ बहाली को लेकर आंदोलनरत हैं, हम इनका समर्थन करने आए हैं और इस बात को कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करता। जहाँ छात्र संघ से तमाम उपजे नेता देश के तमाम बड़े पदों पर आसीन रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर भारत सरकार के गृह मंत्री से लेकर तमाम ऊंचे पदों पर आसीन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंठित मानसिकता से ग्रस्त है और जो छात्र राजनीति को समाप्त करके वह अपनी आलोचना से तथा तमाम कुरूतियाँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने से रोकना चाहती है, इनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। हम सब लोग छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं, निश्चित इन छात्र नेताओं के साथ इनके समर्थन में खड़े हैं। सदन में इस मुद्दे को निश्चित उठाऊंगा आने वाले 18 तारीख से और इनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तत्परता के साथ खड़ी है, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगी, गवर्नर से भी मिलेंगे, परिणाम जो भी हो जेल भी जाना पड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। जब तक इस लड़ाई में जीत नहीं मिलती हम इनके साथ साथ खड़े रहेंगे। मैं अजय कुमार लल्लू हूँ, विधायक दल का नेता हूँ, सदन में कांग्रेस पार्टी का और विधायक हूँ। धन्यवाद।